आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कोर्ट में ईडी बोली, बिहार में माने की साजिशी ट्रेनिंग कैंप भी लगाए गए। अंकिता का मिला शव, अयासी का अड्डा था, रिसोर्ट खुलासा करने पर धमकी पर मार डाला। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स जमाने वाले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में कोरोना के 5000 मामले, 38 की हुई मौत। युवाओं को उकसा रहा PFI, NIA ने जारी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शाम 4 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वह सीधे एयरपोर्ट से प्रीतम नगर स्थित दुर्गा पूजा पार्क पहुंचेंगे, जहां CM BJP सांसद विनोद सोनकर के पिता को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद वापस एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है। शाम 4 बजे वो बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सीधे एयरपोर्ट से प्रीतम नगर स्थित दुर्गा पूजा पार्क पहुंचेंगे, जहां CM BJP सांसद विनोद सोनकर के पिता को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद वापस एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शाम 4:15 पर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वह सीधे एयरपोर्ट से प्रीतम नगर स्थित दुर्गा पूजा पार्क पहुंचेंगे, जहां CM BJP सांसद विनोद सोनकर के पिता को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। आज भी BJP सांसद विनोद सोनकर के पिता की श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे CM। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर हैं। और इसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, आज CM प्रयागराज 4 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी नंदिनी, आज संगम नगरी प्रयागराज में सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगमन है। मुख्यमंत्री आज कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर के दिवंगत पिता के 13वीं में शामिल होंगे, वहां पर वो उनके पिता को श्रद्धांजलि देंगे। बताते चले कि कौशाम्बी के भाजपा के सांसद विनोद सोनकर के पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद आज सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रीतम नगर उनके आवास पर पहुंचेंगे, जहां पर वो 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी सांसद के जो सोनकर हैं, बीजेपी सांसद, उनके पिता को श्रद्धांजलि देंगे। हालांकि इस दौरान पूरे जिले में तमाम तरह के यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनाई गई है और कई यहाँ पे नेताओं के भी शामिल होने की सूचना है। हालांकि इस दौरान संगम नगरी प्रयागराज में सुबह के मुखिया करीब 1 घंटे तक रहेंगे, उसके बाद वो लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। जी नंदिनी, बताया जा रहा है कि 4 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर वो पहुंच जाएंगे, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां हुई हैं? क्योंकि सुबह के मुखिया का आगमन है तो ऐसे में जिले के आला अधिकारी बीते कल से ही लगातार सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस की कई टीमें लगाई गई है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज जब 4 बजे CM योगी बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से उनका काफिला प्रयागराज के प्रीतम नगर पहुंचेगा, जहां पर बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के पिता के 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद करीब 1 घंटे के बाद वो 5 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। जी नंदिनी,
सीएम के साथ साथ और कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे? क्योंकि कई स्थानीय नेता हैं वो भी साथ रहेंगे, प्रयागराज के जो सांसद है वो भी साथ रहेंगे, हालांकि एक दो मंत्रियों के भी शामिल होने की बातें सामने आ रही है, लेकिन कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे ये अभी तक नहीं स्पष्ट हो पाया है, लेकिन बड़े चेहरे जो है वो अभी तक यहाँ पे नहीं सामने आए हैं। सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, उनके साथ कई सांसद नेता और विधायक भी होंगे। जी नंदिनी, इसके बाद सीएम के श्रद्धांजलि देने के बाद और क्या कुछ कार्यक्रम बनाया गया है वहाँ पर? क्योंकि पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले माघ मेला के तहत सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पे इनका जो कार्यक्रम है, एक ही घंटे का समय यहाँ पे दिया गया है, प्रयागराज में जो सूची जारी की गई है उसके अनुसार एक ही घंटे प्रयागराज में रहेंगे, तो ऐसे में जो अन्य बैठकें हैं उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है, लेकिन कहा जा रहा था कि सीएम योगी प्रयागराज आएंगे तो कुंभ को लेकर और माघ मेले को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज उनका जो कार्यक्रम एक घंटे के लिए यहाँ पे जारी किया गया है, ऐसे में इनका जो पूरा कार्यक्रम है वो कौशाम्बी के जो सांसद विनोद सोनकर उनके पिता के 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वहीं उनका जो है कार्यक्रम वो समाप्त होगा, उसके बाद वो लखनऊ के लिए उड़ान भर लेंगे। तो इसलिए ये जो अटकलें इस पर विराम लग गई है कि सीएम योगी अन्य किसी और उसमें बैठक लेंगे या भाग करेंगे। जी नंदिनी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। पहली खबर प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव गाजियाबाद पहुंचे, जहां एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत के बारे में बताया, जिसके तहत दबे पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने और ऐसे लोगों के उत्थान के लिए काम किया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई भी लड़ी जाएगी और बताया कि इस बार वो नगर निगम के चुनाव में अपनी पार्टी के सदस्यों को लाएंगे। वहीं दूसरी ओर विलय के मामले पर उन्होंने कहा कि समय आने पर पता चलेगा कि वो किस पार्टी का साथ देंगे। किसके साथ तालमेल करेंगे, किसके पास साथ बीजेपी की तरफ तो नहीं? देखिए अभी अभी तो देखिए हम कुछ कहा नहीं जा सकता है, वैसे तो हमारी विचारधारा हमेशा समाजवादी रही है और समाजवादी में ही हमने शुरू से 80 से लेकर के अभी तक काम किया है, तो हमारी विचारधारा तो समाजवादी है। हमने देखिए लोहिया जी के साथ तो काम नहीं किया है, उसके बाद मधुलमय जॉर्ज फर्नांडिस और जनेश्वर मिश्रा, बाबू कपिल देव सिंह और फिर उसके बाद चौधरी साहब भी जब लोकदल और ये सब बना, इसमें समय कम किया है। पूर्वजों द्वारा मिट्टी से बने कच्चे आशियाने में रहने वाले गरीबों को मुफ्त आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है, जिसमें गरीबों को मुफ्त आवास प्रदान किया जा सके, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने गरीबों का हक छीनकर अपने चहेते को सरकारी आवास मुहैया करा दिया। मामला अलीगढ़ के आदर्श नगर पंचायत पिलखना का है, जहां अधिशासी अधिकारी के चेयरमैन की साठगांठ से 1400 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। कब से रह रहे हैं आप इसमें? मैं तो साहब शुरू से आ करके मैंने ये देखा है कि ये मेरा कच्चा ही था और आज तक मेरा कोई मुझे सरकारी आवास नहीं मिला है। आप सरकारी आवास के लिए आपने किसी को गुहार लगाई? अप्लाई की मगर बजाय पिलखना की डीपीआर के अलीगढ़ की डीपीआर में डाल दिए गए दोनों भाइयों के हमारे, फिर आवास नहीं मिला आज तक। अच्छा, इस मकान में कितने लोग रह रहे हैं? जो ये मकान गिरासु अवस्था में, इसमें कितने लोग रह रहे हैं? अब इस वक्त हम 6 लोग हैं। हम यहाँ आए तो कम से कम हो गए भैया 85 साल से भी ज्यादा हो गए, ऐसे ही है हमारा, कम से कम 60 साल हो गई होंगी। और ऐसी बरसात में कैसे जीवन गुजार रहे हो आप अपना? भैया गुजारना पड़ रहा, क्या करा जाए, आवाज आते हैं आवाज आता है कटवा देते हैं, नकलऊ तो कई देखो खून आए वो भी कटवा दिए। किसने कटवा दिए? काम के मुखिया ने। अच्छा, कोई पैसे पैसे की कोई डिमांड रखी है आवास की? ना ये भी कुछ नहीं, ऑनलाइन भी कराए, वकील द्वारा ही भरवाए, वैसे भी भरवाए। कितनी बार कह चुके हैं आप? हम कम से कम 20 बार। नगर पंचायत पिलखना में
डूडा के अंतर्गत जो गरीब पात्र लोगों को आवास का आवंटन किया जाता है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल बरसात बल्कि इस प्रक्रिया को, आवंटन प्रक्रिया को वर्ष भर अपडेट रखने का प्रयास किया जाता है। बरसात में इस कार्य में शिथिलता न आए, इस कारण से शासन के द्वारा भी स्पष्ट निर्देश हैं। वर्तमान में भी अभी निर्देश प्राप्त हुए जिसके तहत कार्यालय नगर पंचायत वालना डूडा के संबंधित समस्त कामों को अपने नगर पंचायत से अपडेट करके ऊपर डूडा कार्यालय में प्रेषित करने का कार्य कर रहा है। आपने फैन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा फैन जो मुख्यमंत्री का मंदिर बनवा दे बहुत कम देखा होगा। गौरतलब है कि रामनगरी अयोध्या में ऐसा ही हुआ है। अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण युद्ध गति से चल रहा है, लेकिन अब ये मंदिर विवादों में भी लिप्त हो जा रहा है। दरअसल बंजर की जमीन कब्जा करने के लिए योगी मंदिर बनाया गया। ये आरोप है कि मंदिर बनवाने वाली प्रभाकर मौर्य पर उसके सगे चाचा रामनाथ मौर्य ने ये आरोप लगाया है। प्रभाकर मौर्य पर सरकारी बंजर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। जाति और मजहब के नाम पर फूट डालने वाले कोशिश को दरकिनार करते हुए प्रयागराज के निसार गंगा यमुना तहजीब की जीती जागती मिसाल बने हुए हैं। मुहर्रम के ताजे बनाने वाले निसार इन दिनों रामकथा के पात्रों के लिए साज सज्जा का सामान और मुखौटा बनाने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि वर्षों पुरानी प्रयागराज की पत्थर चट्टी रामलीला सबसे भव्य और आकर्षक होती है। ये प्राचीन के साथ ऐतिहासिक भी है। उम्र है और करीब 12 साल की उम्र से मैं अपने पिता के साथ यहाँ रामलीला को काम करता था। तो उस वक्त की ऐसी लाइट एंड साउंड की रामलीला नहीं होती, जैसा युग था वैसी होती थी, मगर उनके साथ काम करते थे। बीच में हमें सर्विस मिल गई, हम 4 बटालियन PAC में पेंटर के पद पर नियुक्त हो गए। 2002 में रिटायर हुए, तो फिर उसके बाद से लगभग 20 साल से इसमें खुद से लगे हुए कंप्लीट। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे एक अजीब वाक्य हुआ। यहाँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन को शुक्रवार की शाम को रवाना होना था। ट्रेन के कोच नंबर S2 में चढ़े एक यात्री को जब कोई और सीट नहीं मिली तो उसके पास बैठे यात्री से ट्रेन में बम होने की बात कहकर उतर गया। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेलवे स्टेशन पर करीब 12 मिनट तक ट्रेन को रोककर उसकी सघन तलाशी ली गई। GRP और RPF ने ट्रेन के हर बोगी और सीट की तलाशी ली, लेकिन कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। गोवर्धन थाना में बोरवेल में भेड़ का बच्चा एक बोरवेल में गिर गया था। बोरवेल में भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए उतरे थे। दोनों भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए बोरवेल में उतरे थे, दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर मृतकों के शव को कुआं से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल गाँव में घटना के बाद से मातम पसरा हुआ है। औरैया में गणेश पूजन के साथ दशहरा रामलीला का शुभारंभ हो गया। पहले दिन गणेश पूजन के साथ ही बैंड बाजे के साथ भव्य शिव बारात निकाली गई। बारात में मनमोहक झांकियां भी देखने को मिली। बारात इरवा टिकुर से प्रारंभ होकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए इरवा कटरा थाना परिसर पहुंची, जिसमें इरवा कटरा थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने भगवान शंकर की आरती की। बारात में आए सभी बारातियों का मिष्ठान खिलाकर स्वागत किया। खबर महाराजगंज से है, जहां जेल से जमानत पर रिहा हत्यारों ने मृतक की परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में परिवार के सदस्य को लहूलुहान हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद पूरी गांव छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर महीने में चनकौली निवासी राजेश चौहान की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई में हत्या में शामिल निजामुद्दीन और उसके बेटे समेत 5 को जेल हो गई थी। वहीं पीड़ित पक्ष और आरोपी पेशी पर कोर्ट गए थे। आमने सामने होने पर मुख्यालय परिसर में दोनों पक्षों में हल्की झड़प हुई थी। थाने के चनकौली के छोटा टोला से पुलिस को आज सूचना प्राप्त हुई कि नवंबर में यहां पर एक हत्या हुई थी, जिसके संदर्भ में मुकदमा लिखा गया था 236/21।
जिसमें यहाँ के रहने वाले राजेश चौहान इनकी मृत्यु हुई थी और इनके विपक्षी जो अभियुक्त थे निजामुद्दीन और उनके 5 लड़के ये जेल भेजे गए। इनमें से कुछ लोगों की जमानत हो गई थी और आज कोर्ट में पैरवी के लिए जब दोनों पक्ष वहां पे थे तो वहां पे दोनों पक्षों के बीच में वाद विवाद हुआ था। फरीदाबाद में लगातार बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस बीच पुलिस का एक सराहनीय कार्य सामने आया है जहां भारी बारिश के चलते एक डॉक्टर की दुकान पानी में डूब गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने 3 मिनट के मौके पर पहुंचकर डॉक्टर की जान बचाई, जिसके बाद पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस का धन्यवाद किया। करीब 2 महीने 13 दिन के बाद मैं दिल्ली आया था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ का अपना फरीदाबाद बाईपास पर मुंबई हाईवे निकल रहा है, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, दोनों साइड रोड का पानी भरा हुआ था, रोड का अंदाज़ा नहीं मिला और रोड पर कोई भी रोड सेंसर या रोड डिवाइस नहीं लगे थे कि वहाँ से एक्सचेंज कर सके, तो गलती से मैं अदर रोड पर चला गया जहाँ थोड़ी चलने के बाद अचानक मेरी गाड़ी डूबने लगी और मेरी गाड़ी छत तक डूब गई। किसी तरह से मैंने आनन फानन में शीशा खोल करके अपनी जान बचाते हुए छत पर चढ़ा और मैंने इमरजेंसी में 101 डायल किया तो मुझे सराय थाने और पल्ला थाने की जो मदद मिली SHO साहब सराय से, मुझे तत्कालीन केवल 3 मिनट के अंदर रात्रि को 3:30 बजे इतनी जल्दी पुलिस प्रशासन ने हमारी हेल्प की। ये डॉक्टर हैं, मैनपुरी से आए थे दिल्ली और इधर फरीदाबाद में करीब 2-2.5 महीने बाद, जैसा कि इन्होंने बताया है। और जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये बन रहा है, जिसकी वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जो चला हुआ है गहरे पानी में उतर गए, जिससे इनकी कार धीरे धीरे डूब गई और ये बड़ी मुश्किल से बाहर निकले और कार की छत पर बैठ गए और तब इन्हें सूझ आया, तो इन्होंने डायल 112 को कॉल की। तुरंत मौके पर हमारी SHO सराय की स्टाफ है श्री भगवान और नरेंद्र, ये पहुँच गए और उन्होंने इसको सुरक्षित बाहर निकाला और बाद में हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी आ गए थे, इन्होंने जिसका धन्यवाद किया है। संभल में अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये फोटो फसल पलटने को लेकर हुए झगड़े के दौरान का बताया जा रहा है। फोटो में वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इस घटना से पुलिस मौन बनी हुई है। ये मामला थाना धनारी क्षेत्र के गाँव किरतकपुर का बताया जा रहा है। प्रयागराज के मऊ आईमा क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने महिला से छेड़खानी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, वहीं घायल बदमाश के पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ। पुलिस पहले से एक बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर छेड़खानी का एक वीडियो वायरल हुआ था। थाना मऊआइमा में पुलिस और बदमाशों के बीच में आज मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम द्वारा यहां पर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आत्मरक्षार्थ हिदायत देने के पश्चात पुलिस टीम ने भी उस पर फायरिंग की और वो बदमाश घायल हुआ है। बदमाश की शिनाख्त मोहम्मद कैफ निवासी सिसई सिपाह थाना मऊआइमा के रूप में हुई है। गोरखपुर में जर्जर खपरेल का मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना में 5 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि अन्य लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि गोरखपुर में सैकड़ों मकान इतने जर्जर हो चुके हैं कि उनमें रहना खतरे से खाली नहीं है। आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के जगनाथ इलाके में आज तड़के करीब 4 बजे खपरेल वाला एक घर गिर गया।
राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संबोधन सीएम योगी ने किया। इस दौरान सीएम प्राकृतिक खेती कार्यशाला में मौजूद रहे और संबोधित करते हुए कहा कि यूपी से अपराध खत्म हो गया है और कार्य तेजी से हो रहा है और कहा कि ऑर्गेनिक फसलों को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति, जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आई और उसके बाद यह देश जब गुलामी की ओर गया तो धीरे धीरे करके भारत की परंपरागत जो खेती किसानी थी, आस्था थी, इन सब पर प्रहार होना प्रारंभ हुआ था और वहीं से पराभव भी शुरू हुआ। यह अभियान भले ही हम लोगों ने देश के अंदर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया हो, और निसंदेह आजादी के बाद इसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन इसके दुष्परिणामों से भी हम बच नहीं पाए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा आचार्य जी ने की, पीएफआई मामले में वाराणसी में एटीएस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापा मारकर 18 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों के पास से कई मौके पर कई आपत्तिजनक चीजें बरामद होने की सूचना मिली है, जिसके चलते एटीएस प्रेस रिलीज जारी कर सकती है। वहीं एएनआई और एटीएस ने मिलकर ये कार्यवाही की है। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अफताब हमारे साथ जुड़े हैं। अफताब, प्रयागराज में भी एटीएस का छापा पड़ा है पीएफआई को लेकर। जी, जी, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पीएफआई मामले में वाराणसी में एटीएस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापामारी करके 18 से 20 लोगों को उठाया है। जिन लोगों को उठाया है उनको हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। बरामद की गई है जी, अभी बरामदगी का कुछ बताया नहीं गया मैडम। और आपको बताते चलें कि आपत्तिजनक चीजें जो बरामद होने की सूचना है और दोपहर में प्रेस रिलीज जारी कर सकती है एसटीएफ की टीम, तब जाकर के पूरी तरीके से मालूमात होगी कि क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं और क्या क्या। हालांकि पिछले 23 तारीख को जो है अभियुक्तगढ़ दो लोगों को उठाया गया था, जिनमें से एक का नाम रिजवान अहमद पुत्र साहबुद्दीन, जिसे जैतपुर थाना क्षेत्र कच्ची बाग से उठाया गया था, ये वाराणसी के निवासी, और दूसरा मोहम्मद शहीद पुत्र अब्दुल मतीन है जो आजमपुरा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आफ्ताब। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।